हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन। ओके, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उससे हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास, इफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 42, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या क्वेश्चन है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 42, डिफरेंशिएट करो With respect to x, differentiate with respect to x। बच्चों x square का क्या होगा बोलो? x power n का formula याद करवाया मैंने आपको, n x n minus 1। इसी तरह से x power 2 का क्या होगा? 2x 2 minus 1, okay? Plus 2 as a coefficient। x और y यहाँ product हो रहा है, क्या हो रहा है? Product। x और y यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्या अप्लाई करोगे? प्रोडक्ट रूल। कैसे? x को स्किप, y का डी वाई बाई डी एक्स, y को स्किप, x का 1, ओके, y क्यूब का y पावर 3 का क्या होगा? 3y 3 माइनस 1, फॉर्मूला था ना n x n माइनस 1, तो y पावर 3 का 3y 3 माइनस 1। फिर y का क्या होगा? dy by dx। 42 कांस्टेंट का क्या होगा? 0। 2x 2 minus 1 कितना होता है? 1। 2x dy by dx, ठीक है, प्लस y प्लस 3y 3 minus 1 क्या होता है? 2 dy by dx equals to 0, ठीक है, ध्यान दो। 2x, 2 into x, 2x, dy by dx, 2 into y, 2y, 3y square, dy by dx, equals to 0. ठीक है students, clear हो रहा है? अब मेरी बात सुनो आप लोग, 2x dy by dx, 3y square, dy by dx, इक्वल्स टू, ये प्लस टू एक्स वहां शिफ्ट होगी, क्या हो जाएगा? माइनस टू एक्स, और ये प्लस टू वाई बन जाएंगे माइनस टू वाई। नाउ टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, टेक माइनस टू कॉमन, एक्स प्लस वाई, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा बच्चों? हाँ देखो, माइनस टू ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस टू ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है 2x plus 3y square यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, 2x plus 3y square, ठीक है बच्चों, चेक करो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट? नेक्स्ट देखो बच्चों, क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ x रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, x रूट वन प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स, ओके, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इससे क्या हुआ बच्चों? x स्क्वायर वन प्लस वाई, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव, y स्क्वायर वन प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर y स्क्वायर x, then देखो क्या होगा बच्चों, इसमें अपन ऐसे भी कर सकते हैं, x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर 1 प्लस x, ठीक है, इसमें अपन ने उसके बाद स्टूडेंट देखो, x स्क्वायर एज इट इज, इस y स्क्वायर शिफ्ट करो इधर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड माइनस y स्क्वायर, एंड दिस y स्क्वायर x एज इट इज, एंड दिस एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पॉजिटिव है ना बच्चों, वाले की क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है, इसके फैक्टराइज करो उसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ओके, अब देखो ये क्या है, वाई स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर वाई, टेक एक्स वाई कॉमन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? वाई माइनस एक्स, ठीक है बच्चों, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, टेक माइनस साइन कॉमन, और ये हो गया एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कैंसिल,
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, ओके, देन y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, या हम कह सकते हैं y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, टेक y कॉमन, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, dy बाय dx करो, माइनस बाहर, अप्लाई क्वोशेंट रूल, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को स्किप, ओके, और x का 1, माइनस x को स्किप, कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, ठीक है, सो dy बाय dx कितना है बच्चों, माइनस 1 प्लस x माइनस x, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, सो दिस इज dy बाय dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर. चेक करो जो क्या आपको करना है, dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन, एक बार फिर रिवाइज करते हैं. गिवन था इफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट. ओके, सबसे पहले क्या किया, इस टर्म को उठा के शिफ्ट किया टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, नेगेटिव का हो गया, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर, द स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, क्या स्क्वायर करेंगे तो कट रिमूव हो जाएगा, सो ओनली लेफ्ट 1 प्लस y, नेगेटिव ऑफ y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहां पे रह जाएगा 1 प्लस x, x स्क्वायर इनटू 1 x स्क्वायर इनटू y x स्क्वायर y, y स्क्वायर इनटू 1 y स्क्वायर इनटू x y स्क्वायर x, ये प्लस y स्क्वायर इधर आके माइनस y स्क्वायर, और ये y स्क्वायर x एज इट इज, और ये x स्क्वायर y वाले के माइनस x स्क्वायर y, फैक्टराइज करो x स्क्वायर और y स्क्वायर को, x माइनस y x प्लस y, टेक x y कॉमन, y माइनस x, x माइनस y कैंसिल, जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे इसमें से तो बन जाएगा x माइनस y, x minus y cancel, x plus y equals to minus of x y, solve किया, simplify करेंगे, इस plus x को हमें shift किया इधर, minus x बन जाएगा, और minus x को shift किया इधर, तो plus x y बन जाएगा, take y common, 1 plus x, y becomes minus x of upon 1 plus x, differentiate किया, apply किया question true, और ये हमारा answer, okay students, ठीक है, समझ में आ रहा है, next देखो बच्चों, students, sin y equal to x sin of a plus y, prove that dy by dx equals to sin square a plus y on sin a, sin y equals to x sin a plus y, okay, ये हो जाएगा sin y sin a plus y equals to x upon 1, हम x को बोल सकते हैं sin y sin a प्लस वाई, ठीक है, हाँ बच्चों इसको आप ऐसा करो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, क्या किया मैंने इसके अंदर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, dx बाय dy, यहां पे क्या अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर बच्चों, ठीक है, डिनोमिनेटर को स्किप, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, साइन वाई क्या होगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई को स्किप, फिर साइन ऑफ ए प्लस वाई का क्या होगा डिफरेंशिएशन, साइन ऑफ ए प्लस वाई का कॉस ऑफ ए प्लस वाई, फिर ए कांस्टेंट का जीरो और वाई का वन, ठीक है, डी एक्स बाय डी वाई इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या बोले बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला है आपने 11th ट्रिगो में पढ़ा होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, लास्ट ईयर आपने 11th ट्रिगो में पढ़ा था ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है बच्चों,
नाउ प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, डीएक्स बाय डीवाई कितना हुआ, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब क्या करेंगे देखो, एक बार बताता हूं मैं आपको, आपके पास अगर dx by dy है और आप फाइंड करना चाहते हो dy by dx, बहुत सिंपल क्या होता है, रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन dx by dy को करोगे ना, dx by dy का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy by dx मिल जाएगा। समझ आ रही बात, अगर आपके पास dx by dy है और आपको चाहिए dy by dx तो जस्ट रेसिप्रोकल, ओके। हाँ तो देखो इधर dx by dy ये है, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, मुझे dy by dx चाहिए तो रेसिप्रोकल कर देंगे, dy by dx क्या बनेगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, क्लियर। हमेशा ये प्रूव करना चेक करो, हेंस प्रूव, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मार्केट ट्रिपल स्टार है ना। देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, क्या गिवन है, 1 माइनस एक्स पावर 6, 1 माइनस वाई पावर 6, ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। लेट सपोज एक्स क्यूब इक्वल्स टू साइन ए, वाई क्यूब इक्वल्स टू साइन बी, ये मैंने एजम्पशन लिए बच्चा, तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स पावर 6 मीन्स एक्स पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 6 को हम लिखेंगे एक्स पावर 3 का होल स्क्वायर, और एक्स पावर 3 क्या है, साइन ए, सो 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ए साइन ए माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस कॉस स्क्वायर ए और उसका स्क्वायर रूट कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी और उसका स्क्वायर रूट कॉस बी, ए साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी फॉर्मूला पढ़ा हमने 11th में, बोलो बच्चों क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2, साइन ए माइनस साइन बी 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2। स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, these two factors get cancel out, 2 also cancel, sin नीचे आ जाएगा cos a minus b by 2 sin a minus b by 2 equals to a cos by sin, cos upon sin got a minus b by 2 equals to a minus b by 2 equals to cot inverse a minus b equals to twice of cot inverse a, what is a, capital A means, देखो बच्चों x cube equals to sin a, x cube equals to sin a and sin a देखो किसके equal है, x cube के, तो a क्या होगा sin inverse x cube, ओके, तो a को लिखेंगे sin inverse x cube, सिमिलरली b को क्या लिखेंगे sin inverse y cube, sin inverse y cube equals to 2 cot inverse a, now differentiate with respect to x, sin inverse x cube का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स क्यूब क्या हुआ, साइन इनवर्स क्या हुआ, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर कितना एक्स सिक्स और एक्स क्यूब को कितना होता है 3 एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगेगा बच्चों, क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर करोगे क्या आएगा एक्स सिक्स और एक्स पावर 3 का क्या आएगा 3 एक्स स्क्वायर,
इसी तरह से साइन इनवर्स वाई क्यूब मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्यूब का स्क्वायर वाई सिक्स, और फिर चेन रूल लगाओ। अभी तो साइन इनवर्स का किया बच्चों, साइन इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, आपने फॉर्मूले लर्न किया है ना फर्स्ट क्लास ऑफ डिफरेंशिएशन में, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिखवा चुका हूं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां अगर x है तो सब क्या करते हैं x स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां पर x क्यूब है तो x क्यूब का स्क्वायर x सिक्स हो जाएगा, ये तो साइन इनवर्स का हुआ, और x पावर 3 का क्या होगा 3x स्क्वायर। इसी तरह से इस साइन इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y सिक्स हो जाएगा, y क्यूब का स्क्वायर y सिक्स, और y पावर 3 का क्या होगा बोलो, y पावर 3 का क्या होगा 3y स्क्वायर, और y का क्या होगा dy by dx। कॉन्स्टेंट कॉट इनवर्स ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है ध्यान देना 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x सिक्स, ये नेगेटिव का जब शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y सिक्स dy by dx, 3 से 3 कैंसिल, ओके ये जो डिनोमिनेटर में है बन जाएगा न्यूमरेटर में, ऐसा हो जाएगा ठीक है, और ये एज इट इज दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और ये आपका डी वाई बाय डी एक्स। सो फाइनली स्टूडेंट्स डी वाई बाय डी एक्स क्या आया बोलो, क्या आया बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई सिक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स सिक्स, ओके हेंस प्रूव dy by dx equals to x square upon y square square root of 1 minus y power 6 upon 1 minus x power 6. dy by dx equals to x square upon y square square root of 1 minus y power 6 square root of 1 minus x power 6. Students clear hai? Bahut important question hai. Okay, ek baar fir se iski trick dekho. गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6 इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसकी स्पेशल ट्रिक है कि एक्स क्यूब को सपोज करो साइन ए और वाई क्यूब को सपोज करो साइन बी, इसके बाद क्वेश्चन अपने आप बनता जाएगा, कुछ ट्रिकों का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होंगे उसके बाद सॉल्व होगा, और इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स सिक्स, देन एक्स क्यूब का क्या हुआ डिफरेंशिएशन एक्स पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन, एक्स क्यूब का कितना हुआ 3x स्क्वायर, इसी तरह साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर मींस वाई क्यूब का स्क्वायर वाई सिक्स, और वाई क्यूब का क्या होता है 3y स्क्वायर, और वाई का क्या हुआ डी वाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का जीरो। इस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चे हमें अपना रिजल्ट मिल गया x square by y square root 1 minus y power 6 upon 1 minus x power 6, देखो x square by y square root square root of 1 minus y power 6 upon square root of 1 minus x power 6, बच्चों इसको रिवाइज करना ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना क्या क्या बन जाए x square plus y square x square plus y square equals to t minus 1 by t and x power 4 plus y power 4 equals to t square plus 1 by t square, ठीक है ध्यान दो बच्चों, इससे स्टार्ट करते हैं x square plus y square equals to क्या गिवन है t minus 1 by t, ठीक है squaring on both sides, हाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है टी टी कैंसिल x power 4, y power 4, 2x square, y square, t square plus 1 by t square,
माइनस टू. वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पावर फोर प्लस फाइव पावर फोर? एक्स पावर फोर प्लस फाइव पावर फोर की वैल्यू बताओ बच्चों क्या है? टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर है ना, तो इसका वैल्यू क्या हुआ? टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर माइनस टू. टी स्क्वायर कैंसल, वन बाय टी स्क्वायर वन बाय टी स्क्वायर कैंसल, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू, टू से टू कैंसल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन. ओके नाउ क्लास, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर. ओके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये x पावर 2 है, जब शिफ्ट होगा न्यूमरेटर में तो क्या बन जाएगा? x पावर माइनस 2. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का क्या हुआ? 2y, y का dy by dx, और ये माइनस एज इट इज. x पावर n का क्या होता है बच्चों? n x n माइनस 1, n x n माइनस 1, ठीक है, 2y dy by dx माइनस माइनस प्लस टू एक्स पावर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, टू टू कैंसल, डी वाई बाय डी एक्स कितना हुआ? एक्स पावर माइनस थ्री अपॉन वाई. डी वाई बाय डी एक्स क्या हुआ बच्चों बोलो? वन अपॉन वाई, और एक्स पावर माइनस थ्री नीचे आके क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब. सो फाइनली आंसर इज डी वाई बाय डी एक्स वन अपॉन एक्स क्यूब वाई, 1 upon x cube y, dy by dx equals to 1 upon x cube y. Okay students, next देखो बच्चों, next topic हमारा differentiation के अंदर logarithmic differentiation. क्या पढ़ रहे हैं? Logarithmic differentiation. इसकी याद तुम्हें कब आएगी students? जब भी आप question के अंदर देखो variable power variable चल रहा है. क्या चल रहा है? Variable power variable. देखो इधर, अगर यहां पर a है और पावर वेरिएबल है तो ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है ये, है ना, क्योंकि a पावर x पढ़ा है ना आपने. और अगर x पावर a आ जाता है तो ये एलजेब्रिक कहलाता है फिर, ठीक है. जैसे कि x पावर n का क्या होता है? n x n माइनस वन. हाँ, पावर में वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल, बेस वेरिएबल है तो एलजेब्रिक. समझ में आ रही बात? ये होता है ना एक्स पावर एन, तो इसका ये क्या होता है? ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका बेस वेरिएबल है. ये बेस होता है बच्चों और ये पावर, पता ही होगा आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है. दिस इज बेस एंड दिस इज पावर. अगर हमारा वेरिएबल बेस वेरिएबल है, एक्स यहां है और ये कांस्टेंट है, तो ये एलजेब्रिक कहलाता है. जैसे एक्स पावर टू, एक्स पावर थ्री क्यूबिक, एक्स पावर फोर, ये सब एलजेब्रिक है. और अगर पावर में वेरिएबल चल रहा है तो एक्सपोनेंशियल. लेकिन अगर ऐसा हो एक्स पावर एक्स बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल, ध्यान देना मैंने क्या बोला, बेस भी वेरिएबल पावर भी वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल की फंक्शंस हैं, बेस भी वेरिएबल फंक्शन, पावर आल्सो वेरिएबल फंक्शन, तो ऐसे केसेस से मुझे याद आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. फिर से सुनना, पावर वेरिएबल फंक्शन है तो कहलाएगा एक्सपोनेंशियल, बेस वेरिएबल है तो कहलाएगा एलजेब्रिक. लेकिन बेस और पावर दोनों वेरिएबल फंक्शन है, एक्स फंक्शन है, तो कहलाएगा लॉगरिथमिक. जैसे कि इक्वेशन देखो, y equals to x raised to the power x, find dy by dx. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या रिकॉल होता है कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा. ये क्वेश्चन किससे होगा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से. स्टार्ट करें क्लास. देखो इधर, y equals to x power x, apply log on both sides. क्या बोला बच्चों मैंने? Apply log on both sides, log y, log x power x, log y. आपकी आपको log की प्रॉपर्टीज पता है बच्चों? Log a power m होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? m log a. ये आपको याद है बच्चों? Log a power m है, log a power m है,
तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू एम लॉग ए। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा x आगे आ जाएगा x log x, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाय y और y का d by dx, x को स्किप, log x का 1 बाय x और log x को स्किप, x का 1, x को स्किप, log x का 1 बाय x, log x को स्किप, x का 1, सो x x कैंसिल। ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये हुआ 1 प्लस लॉग एक्स, सो डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, ये वाई मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ओके सो फाइनली आंसर क्या है बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाई 1 प्लस लॉग एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। वाई की वैल्यू बच्चों वाई क्या है, एक्स पावर एक्स है ना, एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, आपका फाइनल आंसर। वाई का क्या वैल्यू है, एक्स पावर एक्स और ये 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल फंक्शन, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, वेरिएबल पावर वेरिएबल, क्या याद आता है मुझे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वेरिएबल पावर वेरिएबल, मुझे क्या याद आता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे पहले, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लॉग वाई लॉग ऑफ एक्स पावर साइन एक्स, लॉग वाई ये साइन एक्स आगे आ जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का 1 बाय वाई और वाई का डी वाई बाय डी एक्स, साइन एक्स को स्किप, साइन एक्स इसमें क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन है साइन और लॉग, दोनों क्या हो रहा है प्रोडक्ट, साइन एक्स को स्किप, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स को स्किप, साइन एक्स का कॉस एक्स, सो डी वाई बाय डी एक्स, y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, y मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय x साइन x प्लस log x cos x, dy बाय dx, y का वैल्यू x रेज टू पावर साइन x, x रेज टू द पावर साइन x, 1 बाय x साइन x log x cos x, ओके दिस इज माय फाइनल आंसर, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है देखो, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर 10 एक्स, कॉस एक्स रेज टू द पावर sec x, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। ओके बच्चों, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, ध्यान देना बच्चों, मैंने जो बोला वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल, समझ लो आप लोग बात को, वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल मींस कहीं ना कहीं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, हाँ ओके, लेकिन कैसे, ये प्लस हो रहे हैं दोनों फंक्शन प्लस हो रहे हैं, तो क्यों ना इसमें कुछ एजम्पशन ले, लेट साइन एक्स रेज टू द पावर 10 एक्स यू कॉस एक्स रेज टू द पावर sec x वी वाई इक्वल्स टू यू प्लस वी, हाँ सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, यू का डी यू बाय डी एक्स, वी का डी वी बाय डी एक्स। ओके मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1, U क्या है बच्चों बोलो, साइन एक्स रेज टू द पावर 10 एक्स, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, क्या अप्लाई करोगे लॉग, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, इससे क्या होगा लॉग U लॉग ऑफ साइन एक्स होल पावर 10 एक्स, मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी कि 10 एक्स आगे आ जाएगा बच्चों,
log u इक्वल टू टेन एक्स log ऑफ साइन एक्स, ठीक है, log u इक्वल टू टेन एक्स log ऑफ साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log u का क्या होगा, log का क्या होता है, वन बाय वॉट एवर, वन बाय u और u का du by dx, tan x skip और log x यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, tan x को skip, तो log ऑफ sin x का, log का क्या होता है, वन बाय वॉट एवर, log का क्या होता है, वन बाय वॉट एवर, तो वन बाय sin x हो गया, अब sin x क्या होगा, cos x प्लस log ऑफ sin x को skip और tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है, वन बाय u du by dx, tan क्या होता है, sin by cos, cos by sin, sec स्क्वायर x log ऑफ sin x, sin sin cos cos कैंसिल, du by dx, ये u यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां क्या है, वन, वन प्लस sec स्क्वायर x, दिस विल बी log ऑफ sin x, ओके, du by dx, व्हाट इज u, u क्या है, u मींस sin x raised to power 10x, sin x raised to the power 10x, ठीक है, वन प्लस sec स्क्वायर x log ऑफ sin x, ठीक है, ये आपका du by dx, हाँ, अब मुझे चाहिए dv by dx, क्या था v, v बताओ मुझे, v equals to cos x raised to the power sec x, variable power variable, variable raised to the power variable, apply करोगे क्या, क्या, बोलो, log on both sides, log v log of cos x whole power sec x, log v sec x आगे, then log of cos x, differentiate with respect to x, log v log का one by whatever, one by v और v का dv by dx, log का one by whatever, one by v और v का dv by dx, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, sec x को skip और इसका log का one by whatever, log का one by whatever, one by cos और cos का minus sign, इसी तरह से plus log of cos x को skip और sec x का sec x tan x, ठीक है, क्लियर है, इसको और आगे सिंपलीफाई करेंगे बच्चों, देखो कैसे, स्टूडेंट्स, वन बाय वी, वन बाय वी डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, सेक और ये साइन बाय कॉस टेन माइनस टेन एक्स सेक एक्स, क्या कह सकते हैं, माइनस सेक एक्स टेन एक्स, हाँ, और ये प्लस सेक एक्स टेन एक्स लॉग कॉस एक्स, ठीक है, नाउ वन बाय वी डी वी बाय डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स कॉमन लॉग कॉस एक्स माइनस वन डी वी बाय डी एक्स वी सेक एक्स टेन एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस वन, ठीक है, डी वी बाय डी एक्स, व्हाट इज वी, वी क्या था, कॉस एक्स होल पावर सेक एक्स, ये वी था और ये सेक एक्स टेन एक्स, फिर ये लॉग कॉस एक्स माइनस वन, ये आपका डी वी बाय डी एक्स, तो बच्चों फाइनली बताओ डी वाई डी क्या था,
डी वाई बाई डी एक्स था डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा बताओ, फाइनली डी यू बाई डी एक्स क्या था बताओ, ये रहा डी बाई डी एक्स। साइन एक्स होल पावर टेन एक्स वन प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स क्या है, कॉस एक्स होल पावर सेक एक्स टेन एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस वन। ये आपका फाइनली आंसर, डी यू बाई डी एक्स प्लस कर दिया डी वी बाई डी एक्स के साथ, डी यू बाई डी एक्स आंसर साइन एक्स होल पावर टेन एक्स वन प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके देखो ये फाइंड किया था डी यू बाई डी एक्स, प्लस कर दिया किसके साथ, डी वी बाई डी एक्स के साथ, और डी वी बाई डी एक्स क्या है, कॉस एक्स रेज़ टू पावर सेक एक्स, ओके सेक एक्स टेन एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस वन लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस वन। ओके स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, वो कंप्लीट करो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स जो आज मैंने आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाया, सबसे पहले तो वो आप नोटबुक पे कंप्लीट करो, उन्हें रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू देन क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर, ये चारों क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट करो। जो आज पढ़ाया उसमें कोई डाउट है या इन होमवर्क क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स सब अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दो क्वेश्चन कन्फर्म है बोर्ड पेपर में आपके पूरे डिफरेंशियल चैप्टर में से, और चांसेस उसके रहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के, पक्का क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उसको अच्छे से कंप्लीट करो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स गुड बाय।